दोस्तों सामने है माउंट आबू के पहाड़ और ये है वो जगह जहाँ पर मैंने 4 दिन और 4 रात बिताई और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो मौसम वेदर सब कुछ अच्छा है, बारिश थोड़ी मोड़ी हुई थी पर इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। अब यहाँ से निकलेंगे सिरोही की तरफ। जय हिंद दोस्तों, आज है 3 अगस्त और आज अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और इस वक्त मैं हूँ माउंट आबू के पहाड़ों के पास। एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा शांत गाँव है जिसका नाम है मुदरला। तो मुदरला गांव से इस वक्त मैं निकल रहा हूं तकरीबन 3 बजे के आसपास और आज की शाम का मेरा डेस्टिनेशन है सिरोही। सो देखते हैं 60 किलोमीटर का सफ़र कैसे तय होता है, मुदरला से सिरोही के बीच में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये सामने आप देख रहे हैं ये है बनास नदी राजस्थान की। इसी नदी में वो माउंट आबू का जो पानी है पहाड़ों के ऊपर का वो आता है और इस वक्त हम चल रहे हैं तलहटी से सिरोही रोड पर और बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं आगे दिल्ली मुंबई हाईवे। ये आप मेरी दाहिनी तरफ देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी जी का मानसरोवर है। यहाँ हम एक दिन और आए थे, आपको मैं दिखाना भूल गया, आज आप देख लो। तो दोस्तों यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है माउंट आबू आगमन के लिए आपका हार्दिक आभार एवं पुनः पधारें। तो दोस्तों मैं तो आ गया, अब आप लोग की बारी है, आप लोग आना चाहते हैं तो वीडियोस को देखें और यहाँ पर आएं। तो दोस्तों यही है वो भाई जिनके पास मैं था कुछ दिन और अब यहाँ पर मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ। इनका कहना यह है कि यार छोड़ के मत जा भाई, रुक जा, पर यार यात्रा ऐसी होती है, आप ऐसे कि कभी कभार किसी ऐसे अच्छे इंसान से मिलोगे तो आपको खुद छोड़कर जाने का दिल नहीं करेगा, पर ये जर्नी ऐसी है, परमानेंट कोई रुकने वाला नहीं है। चलो तो दोस्तों वैसे आप धीरे धीरे मौसम भी देखेंगे तो मौसम भी हो रहा है, काले बादल छा रहे हैं, बारिश वाला मौसम हो रहा है। अब मुझे यहाँ से फटाफट लिफ्ट लेनी चाहिए वरना बारिश हो गई तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 5:15 हो गए, बीच में थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी और ये जगह है वीरवाड़ा। तो वीरवाड़ा के पहाड़ हैं और यहीं कहीं वीरवाड़ा मंदिर भी है एक, बाकी सामने है सिरोही और तकरीबन यहाँ से 10-11 किलोमीटर और है। शाम के 5:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ वीरवाड़ा गांव जो है सिरोही जिला राजस्थान में और ये मार्केट है, बाजार है यहाँ की। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, उस तरफ नहीं लोग हैं इस तरफ। तो इन सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इन सब ने मेरा हौसला बढ़ाया है, सबकी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं और बड़ों का आशीर्वाद है। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो दोस्तों ये एक पहाड़ी इलाका है और अभी जब मैं लास्ट वाली क्लिप जो आपने देखा वीरवाड़ा की, वहाँ से मुझे एक जीप मिल गई, कुछ भाइयों ने बिठा दिया तो मैं यहाँ तक आ गया। और पीछे वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है और एक होटल है, तो एक भाई ने बोला था कि मेरा ही होटल है मेरे पापा का, वहाँ आप जाकर रुक सकते हो, रह सकते हो और शाम तक मैं आऊँगा, ऐसा वो बोल रहे थे। तो वहाँ मैं गया, बातचीत किया तो एक अंकल जी थे, उन्होंने बोला कि यार होटल तो रात तक बंद हो जाती, मैं भी घर चला जाता हूँ तो अकेले क्या करोगे, सिरोही चले जाओ आगे, वहाँ पर तुमको सारी सुविधा मिल जाएगी। तो ये लेफ्ट साइड गया है सिरोही और सामने है पाली, तो चलते हैं लेफ्ट साइड, सिरोही में ही आज की शाम होगी। रात के 7:30 बज रहे हैं शाम के और आ गया हूँ मैं एक होटल के अंदर। तो ये है कमरा और यहाँ पर अपनी बैग वगैरह, तो दोस्तों अब रूम मिल गया, फटाफट जाके नहा लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ और फिर सामने ही है डिनर के लिए, तो जा कर के एक होटल में डिनर कर लेंगे। रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं अभी डिनर करके आ रहा हूँ, डिनर में मिला मसाला डोसा, सो पेट भर गया, एक्चुअली बहुत बड़ा था यार, जितना आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही बड़ा, तो पेट भर गया है। शाम में वैसे कुछ नाश्ता भी कर लिया था, वीरवाड़ी क्या नाम था यार जहाँ पर मैं था। तो अब चल रहे हैं होटल की तरफ और होटल है सामने, तो आ गया अपने होटल रूम में, बाकी ये है अपना बेड। तो ये था आज का ब्लॉग माउंट आबू से निकलकर सिरोही तक पहुंचने का। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।